हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ ब्यूटी टिप्स सीमा और मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ इस नेचुरल डाई को मैंने प्रिपेयर किया है और इससे आपके बालों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैं यहाँ पे मम्मी के बालों पर अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ और इसे वॉश करने के बाद इसका रिजल्ट कैसा आया उसे भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बिल्कुल नेचुरल कलर आया है और आपके हेयर है ना जो वो नेचुरल तरीके से काले होंगे। थोड़े बहुत अगर आपके बाल वाइट रह जाए तो आप इसे महीने में 2 से 3 बार यूज़ करिएगा। आपके बालों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, आपके बाल जो है वो जड़ से काले आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मैं आपको इसे बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें लेना है एक साफ बाउल और उसमें हमें ऐड कर देना है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस ले लीजिए या प्लांट बेस्ड एलोवेरा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जूस लेने वाली हूँ। एलोवेरा जूस हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करता है, सिल्की शाइन सॉफ्ट बनाता है और हेयर ग्रोथ इससे बहुत अच्छी होती है। तो हमें एलोवेरा जूस का अपने बालों पे भी यूज़ करना चाहिए और एलोवेरा जूस का हमें डेली मॉर्निंग में आप चाहे तो गर्म पानी में भी इसे पी सकते हैं। ये आपके स्किन और बालों दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी चारकोल पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं आंवला को रोस्ट करके चारकोल पाउडर, या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच ले लूँगी चारकोल पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, चारकोल पाउडर हमारे बालों की गंदगी को निकालता है, हमारे बालों की स्कैल्प को साफ रखता है। आपको चारकोल पाउडर का अपने हेयर पे हफ्ते में एक बार तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे अगर हेयर पे कह लीजिए अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो ये इसे दूर करता है और आपकी डैंड्रफ की समस्या को भी ख़त्म करता है। तो ये बिल्कुल ही नेचुरल एंड सेफ तरीका है अपने वाइट बालों को काला करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर भी हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है, घना बनाता है, लंबा बनाता है और जड़ से मजबूत बनाता है। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच ऐड कर दूँगी भृंगराज पाउडर। ये सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बालों पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है सिकाकाई पाउडर। और ये सिकाकाई पाउडर आप आराम से आपको बंसारी के दुकान पे मिल जाएगा। तो सिकाकाई पाउडर जो है वो हम बहुत पहले से अपने हेयर के लिए यूज़ करते हैं और ये सिकाकाई हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है। और ये इसके आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं और घर पर ला के आप इसे पाउडर बना सकते हैं। तो हमें इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, एकदम स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाए तब इसे आप अपने बालों पे यूज़ करिए। आप चाहे तो इसमें अदरक का जूस या फिर ऑनियन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लूँगी नीला पत्ता। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको नीला पत्ता भी इसमें ऐड करना है। नीला पत्ता यानी जो हम इंडिगो पाउडर जिसे कहते हैं वो भी आपको इसमें 1 से 2 चम्मच ऐड करना है। इंडिगो पाउडर भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये सारे पाउडर जो है इंडिगो पाउडर आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा, आप आराम से इसे परचेस करिएगा और फिर इसे इसमें इस तरह से 1 से 2 चम्मच ले लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बालों पर शैम्पू करने से आधा घंटा पहले अपने बालों पर इसे लगा के ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। और फिर इसके बाद आप इसे प्लेन वाटर से धो लीजिएगा। आप चाहे तो इसे नेक्स्ट डे शैम्पू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया है। और इस तरह से आपको इस DIY को प्रिपेयर करना है अपने वाइट हेयर को नेचुरल तरीके से काला बनाने के लिए, ना कि हमें कोई भी मार्केट वाली चीज़ों का यूज़ करके अपने बालों को काला करना। क्योंकि हम अगर केमिकल वाली चीज़ों का यूज़ करेंगे, केमिकल वाली चीज़ों का अगर यूज़ करेंगे तो उससे हमारे आंखों पे इफ़ेक्ट होता है, हमारी आंखें भी ख़राब हो जाती है और हमारे बाल भी नेक्स्ट डे देखेंगे कि आपके बाल बहुत ही रफ़ और ड्राई लगने लगते हैं। तो इसीलिए हमें कोई भी केमिकल वाली चीज़ों का अपने बालों पे यूज़ नहीं करना है, हमें अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाना। तो ये देख लीजिए इसका कितना प्यारा कलर, ब्लैक कलर आया है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये सच में बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगा। आप चाहे तो इसमें विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें शैम्पू डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा और ये नेचुरल एंड सेफ तरीका है अपने बालों को काला करने का। जड़ से आप 6 से 7 महीने आराम से आपके बाल काले रहेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपके बाल हैं ना वाइट, वो जड़ से काले आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के।